यूनिक ट्यूनो में सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हसन। दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि उसको एक्टिवेट फ्री में कैसे किया जाए या फिर एक्टिवेट करने का तरीका क्या है और उसमें बेनिफिट क्या है और क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊँगा। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगा बेनिफिट्स के बारे में और फ्लिपकार्ट प्लस मेम्बरशिप के बारे में डिटेल्स से लेके। तो चलिए उससे शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जो फ्लिपकार्ट प्लस जो मेंबरशिप होता है, अमेजन प्राइम की तरह एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रीमियम सर्विस है, जिसके तहत अगर आप ये सर्विस लेते हो तो आपको क्या होगा, फ्लिपकार्ट एश्योर्ड जो प्रोडक्ट होता है, फ्लिपकार्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है उस सारे प्रोडक्ट को आप विदाउट डिलीवरी चार्जेस मंगा सकते हैं। तो पहले क्राइटेरिया था कि 500 के नीचे जितना भी प्रोडक्ट होता था उसमें आपको डिलीवरी चार्जेस लग जाता था। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे ये लोटस का क्रीम है, 221 रुपये का दाम है। अगर आप फ्लिपकार्ट मेंबरशिप नहीं लिए हैं प्लस का, तो आपको इसमें डिलीवरी चार्जेस 40 रुपये दिखाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री दिखा रहा है। तो आप, क्योंकि मेरा फ्लिपकार्ट प्लस जो है मेंबरशिप है, इसके लिए मुझे फ्री दिखा रहा है। तो ऐसा इसका फर्स्ट बेनिफिट यही मिलेगा। दूसरा है, आपको जो है कोई भी अगर फ्लैश सेल वगैरह ऑफर आते हैं तो आपको पहले अर्ली एक्सेस मिलेगा। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा आपको, इसके लिए कस्टमर केयर का जो नंबर है जल्दी से कनेक्ट होगा। और तीसरा और चौथा जो बेनिफिट है उसका ये है कि आपको जो कुछ पॉइंट मिलेगा, आप जो खरीदारी करोगे जो पॉइंट मिलेगा उससे आप ऑफर ले सकते हो। तो ये रहा बेनिफिट। तो आप बताते हैं आपको बेनिफिट लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है। देखो, बेसिकली फ्लिपकार्ट का जो प्लस मेंबरशिप है, एक्टिवेशन का दो तरीका है फिलहाल। फर्स्ट जो है कि फ्लिपकार्ट कुछ दिन से फ्री में कुछ लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं फ्री में। तो फ्री में किन किन कस्टमर को दे रहे हैं मैं बता देता हूँ, जिनका पे लेटर सर्विस एक्टिवेट है। मतलब आप शॉपिंग करते हो, 5,000 या 10,000 का आपका लिमिट दिया रहता है कुछ शॉपिंग करते हो, बाद में आप नेक्स्ट महीने के 10 तारीख से पहले पैसा पे करना होता है, तो वो पे लेटर सर्विस जिसका एक्टिवेट है, उन सारे कस्टमर को ये सर्विस जो है फ्री में मिल रहा है। तो अगर आप भी पे लेटर सर्विस है तो आप इस वाला सेक्शन में ऊपर वाले में क्लिक करिए, वहाँ पे फ्लिपकार्ट प्लस जोन में, यहाँ पे आपको नीचे ज्वाइनिंग का आपको पॉपअप दिखेगा, तो वहाँ पे जस्ट क्लिक कर लीजिएगा, ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे भी मिला था, मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया फ्री में। यहाँ पे आप देख सकते हो 50 कॉइन इन्वाइटेशन का 50 कॉइन मुझे मिला था, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने रेड में दिखा रहे रिडीम हो गया है 15 अगस्त को ही, मतलब आज के डेट में ही, ठीक है। तो ये गया आपको फ्री में ज्वाइनिंग वाला। दूसरा आता है कि आपको पे करना है, मतलब कैसे, दूसरा एक ऑप्शन है जिनका पे लेटर नहीं है वो कैसे ज्वाइन करेगा। देखो दोस्तों, उसके लिए सिंपल तरीके उन्होंने बताया है कि आप प्रोडक्ट खरीदे हो फ्लिपकार्ट से और आपको हर 250 रुपये के लिए आपको एक कॉइन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको टोटल 50 कॉइन जब हो जाएगा, तब ये सर्विस जो है आप यहाँ पर क्लिक करके ऊपर में यहाँ पर आपको बैलेंस शो करेगा कि आपको कितना कॉइन है। तो जैसे आपको यहाँ पर 50 कॉइन हो जाएगा तो यहाँ से आप इस सर्विस को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। अभी कंसर्न आ रहे हैं ये 50 कॉइन कैसे मिलेगा। देखो, आप कोई भी सामान खरीदते हो जो जिसका प्राइस 250 के ऊपर है तो उस हिसाब से मिलेगा। एग्जांपल, आपने एक घड़ी खरीदा जिसका दाम है 550, तो 250 रुपये में एक कॉइन, तो 550 का घड़ी, तो उसमें आपको 2 कॉइन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि जो कॉइन मिलता है एक ऑर्डर पे मैक्सिमम 10 ही कॉइन मिलता है। मतलब आपका अगर प्रोडक्ट का दाम 2,500 से ऊपर जाता है, जैसे कि आपने एक मोबाइल खरीदा जिसका दाम है 7,500, तो उसके हिसाब से 30 कॉइन मिलना चाहिए थे, लेकिन आपको मिलेगा खाली 10 कॉइन। मतलब 250 रुपये में एक कॉइन या फिर पर ऑर्डर 10 कॉइन, तो जो भी होगा आपको मिलेगा, ठीक है। 10,000 का अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको 40 कॉइन इकट्ठा नहीं मिलेगा, आपको 10 ही कॉइन मिलेगा, ठीक है। 250 के नीचे कोई प्रोडक्ट होगा तो भी आपको नहीं मिलेगा कॉइन, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है, लेकिन ये कॉइन तब आएगा जब उस प्रोडक्ट का रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो जाएगा। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ पे एक सेलर का रिटर्न पॉलिसी होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, रेडमी नोट 5 प्रो ये मोबाइल अगर आप खरीदते हो तो यहाँ पे आप नीचे आइएगा, स्क्रॉल करके यहाँ पे देखिए इसका सेलर का नाम लिखा है ट्रूनेट कॉमर्स। देखिए, इसका रिप्लेसमेंट पॉलिसी 10 दिन का है। तो यहाँ पे आपको अगर ये मोबाइल खरीदते हो तो आपको तुरंत, ये 15,000 का मोबाइल है तो आपको 10 कॉइन तुरंत मिल जाएगा, लेकिन ये आपके अकाउंट में कब आएगा, 10 दिन के बाद। मतलब अगर आप प्रोडक्ट रिटर्न करते हो, इसके लिए कंपनी ने एक टर्म्स कंडीशन बनाया है। तो ऐसे करके आपको जो है टोटल 50 कॉइन करना पड़ेगा, और करने के बाद आपको जो है ये मेंबरशिप आप यहाँ से आके फ्री में एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो
39 मेरा पेंडिंग है, 39 मेरा कॉइन। मैंने कुछ शॉपिंग किया था यहाँ पे, आप देख सकते हो सब पेंडिंग में दिखा रहा है, लेकिन वो आया नहीं क्योंकि वो रिटर्न पीरियड के अंदर है अभी भी इसके लिए। तो ये क्या है दोस्तों, एक्टिवेशन प्रोसेस। जैसे मैंने बताया पे लेटर वालों सबको फ्री में मिल चुका है, तो आप यहाँ पे जाके एक्टिवेट करा सकते हो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट प्लस जून में आके पे लेटर अगर सर्विस एक्टिवेट है तो। और अगर आपका नहीं है तो दूसरा प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस से आप जो है एक्टिवेट करा सकते हो। आप बात करते इसके बारे में कुछ FAQ जो कि आपको मन में अगर आ रहा है तो क्लियर हो जाएगा। कंसर्न ये सर्विस जो है कितना दिन के लिए मिलता है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा सर्विस जो है आपको 1 साल के लिए मिलता है। अगर आप आज के डेट में एक्टिवेट करते हो तो आपको नेक्स्ट 1 ईयर तक मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है जो आपको कॉइन मिलता है, जैसे कि आपको कॉइन, जैसे कि आपने कुछ सामान खरीदा, सपोज आपने एक जूता खरीदा 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये का अगर जूता खरीदते हो तो आपको 400 रुपये में आ जाएगा, चार कॉइन आ जाएगा 250 रुपये का एक कॉइन के हिसाब से। तो वो जो कॉइन है उसका वैलिडिटी का होगा, उसका वैलिडिटी ये होगा आपका 1 साल तक होगा। जिस दिन आपके अकाउंट में कॉइन आएगा उस दिन से लेके आपको 1 साल तक आपको कॉइन यूज़ कर सकते हो। अभी कंसर्न है कि अभी आपको मान के चलो आपको फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप मिल गया, अभी आप उस कॉइन को जब भी आप शॉपिंग करोगे अगली शॉपिंग तो आपको तो कॉइन मिल तो जाएगा, तो कॉइन को आप क्या यूज़ करोगे? तो आपको बताना चाहूँगा फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ पे अगर आपके पास कॉइन है तो यहाँ पे आप 50 मिनिमम कॉइन देकर आपको 1000 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर ले सकते हो। मतलब 50 कॉइन अगर आपको हो चुका है तो आपको यहाँ पे रिडीम कर सकते हो उसको फ्लिपकार्ट का वाउचर जिसका 1000 रुपये का प्राइस है, या फिर यहाँ पे बुक माई शो का 1200 रुपये का वाउचर भी ले सकते हो, या फिर चाहे तो आप यहाँ पे मेक माई ट्रिप का भी आप वाउचर ले सकते हो 1100 रुपये का, या फिर चाहे तो आप हॉटस्टार का जो एनुअल मेंबरशिप है वो भी ले सकते हो, लेकिन फिलहाल ये अभी एक्टिवेट नहीं है, कमिंग सून दिखा रहे हैं। तो ये सब यूज़ आप कर सकते हो इस कॉइन से। तो आई होप जो है मैंने इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करना मत भूलिए, और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस तरीके का वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।